हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है हमारे सीटे चैनल में। आप लोग को शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के लिए दो वीडियो बनाया था, जिसमें SBI के नेट बैंकिंग और SBI न्यू अकाउंट का फॉर्म फिल करने के बारे में था। तो पहला वीडियो था फॉर्म फिल करने के बारे में, दूसरा था कि नेट बैंकिंग वगैरह किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से स्टेटमेंट निकालना है, मतलब कि सारा कुछ खाता वगैरह से रिलेटेड सारा कुछ का वीडियो था। यदि दोनों में कोई वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछला वीडियो में आपको बताया था कि ATM किस तरह से अप्लाई करना है, और जब हम ATM अप्लाई किए थे तो वहाँ पर एक मैसेज आया था कि आपका जो ATM है वो लगभग 6 से 7 दिन के अंदर आपके घर पर, जो कि आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, उस पर भेज दिया जाएगा। तो कई लोग सोचे कि भेजा जाएगा, कुछ लोग सोचे कि ऐसी बकवास है, तो ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, बिल्कुल सही था। और मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए लगभग लगभग 100% सही होता है। हो जा सकता है कि कभी कभी मैं आप लोगों को समझाने में कुछ गलती हो जाए, कुछ आप लोगों को सही से समझ में ना आए, या फिर मैं सही से आपको समझा ना पाऊँ, जिसकी वजह से आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो जाता है। लेकिन वैसा कोई भी वीडियो नहीं होता जो कि बेवजह होता है, बेबुनियाद होता है और बकवास उठा के मैं बनाता हूँ। तो ऐसा कोई वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाता हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ तो इसे कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरी गलती कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ATM का। तो ATM मुझे आज मिल गया है, और ATM बिल्कुल सही से मिला, स्टेट बैंक का ATM मिला। इस तरह से आपको पैकिंग में आपको ATM मिलता है यदि आप अप्लाई करते हैं तो येनो से। तो देखिए, जब ATM के साथ में आपको 2-3 चीज़ और मिलते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मिलता है। वैसे शायद आप लोगों को पता ही होगा कि ATM तो घर घर है, हर घर में है। तो देखिए, इसके साथ एक लिफाफा आ रहा है, और एक कागज़ का है, कोई प्लास्टिक का नहीं है। उसके साथ में एक है बुक। तो इस बुक में आपको बहुत कुछ, ATM का CVV कोड क्या होता है, ATM कहाँ से नंबर होता है, इसका कस्टमर केयर का नंबर यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यदि आपके पास समय है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है साथ में एक लेटर मिलता है आपको, इस तरह का लेटर है। तो एक लंबा सा लेटर आता है बुक के अलावा, और इस लेटर के ऊपर आपको लिखा रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस रहेगा, एड्रेस के नीचे कुछ बार कोड और क्यू कोड रहेगा, क्यू कोड के नीचे आपको डेबिट कार्ड का नंबर, और इसमें जो लिमिट है वो 40,000 का ही लिमिट है, और शॉपिंग डेली शॉपिंग लिमिट है 50,000 का, मतलब कि डेली विड्रॉल लिमिट 40,000 आप रोज निकाल सकते हैं, 50,000 रुपये एक दिन के अंदर आप इससे शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीरो बैलेंस पे आया है, और इसमें जब हम पिछले वीडियो में जब हम खाता खोले थे इसमें ऑनलाइन बिना किसी KYC का फिंगर का, तो 1 भी रुपये हम उसमें डाले नहीं थे। और आपको सबको पता होगा कि यदि आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, वहाँ पे ATM अप्लाई करने जाते हैं, तो मिनिमम वो लगभग 1,000 रुपया, 500 रुपया या फिर 3,000 रुपया ऐसा बोलते हैं कि आपका रहेगा, तभी आपका ATM अप्लाई होगा। ऐसा 100% नहीं कह रहा हूँ, ऐसा होता ही है, पर कुछ हद तक आपको सुनने को मिला होगा, चाहे तो आप जानते भी होंगे। तो इस तरह से, लेकिन इस पे जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस पे ATM आ गया। अब तो आपको विश्वास हो जाएगा कि जो खाता से जो आया था ATM आया हो, वास्तविक ATM जो योनो से हम खोले थे स्टेट बैंक का था, और जेन्युइन अकाउंट था, और बिल्कुल सही है। उस पे आप बेझिझक पैसे इसमें जमा करा सकते हैं, डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, वो एक फ्रॉड नहीं है। तो फ्रेंड्स, बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये मैसेज मिले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो, यदि नहीं कर रखे हैं तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ इस तरह से ऑनलाइन संबंधित नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ सीखने वाले हैं और सीखते रहते हैं। और मैं बराबर लगभग पर डे के हिसाब से रोज़ एक वीडियो लाता ही लाता हूँ। हो सकता है तो किसी किसी ने बीमार बना देता तो नहीं बनाता हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।